आज हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। ये जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे देश के अंदर जगह जगह पर कीर्तन भंडारे हो रहे हैं और जगह जगह मंदिरों में पूजा पाठ चल रही हैं। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। पूरे भारत में हनुमान जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। खूबसूरत झांकियों ने आम जनता का मन मोह लिया। दिल्ली NCR में श्री हनुमान जन्म महोत्सव समस्त भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। जगह जगह मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाखों स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। शाम 4 बजे से खूबसूरत झांकियां निकाली गयी, जिसको देखकर आम जनता का मन मोह लिया। एक जुलूस श्री राम मंदिर कमेटी शालीमार गार्डन साहिबाबाद से सरदार सिंह भाटी निगम पार्षद शालीमार गार्डन के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शांति बनाए रखने के लिए पुलिस दल मौजूद था। इस मौके पर सर्व समाज ने शिरकत की। इस मौके पर जुलूस के दौरान कुछ स्थानों पर मुस्लिम समाज ने जल व कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्मों और जातियों के लोगों ने भाग लिया। राम नमस्ते, मैं हूँ बहाराधर, हकीकत न्यूज से आज बैठे हैं शालीमार गार्डन के अंदर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार सिंह भाटी साहब, जो कि निगम पार्षद शालीमार गार्डन है। आज हनुमान जयंती जी, उसके ऊपर पूछते हैं जी हजरत, जो भी है जयंती का आज हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। ये जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे देश के अंदर जगह जगह पर कीर्तन भंडारे हो रहे हैं और जगह जगह मंदिरों में पूजा पाठ चल रही हैं। आज जन्मोत्सव के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बाबा हनुमान जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आपके परिवार में सदा सुख शांति और समृद्धि बने रहे। आप क्या संदेश दे जाने युवाओं को, जो संदेश देना चाहते हैं जयंती पर? मैं इस जन्मोत्सव के अवसर पर सभी युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से ये जन्मोत्सव मनाने की परंपरागत जो रिवाज चली आ रही है, उसी प्रकार से आगे युवा इसमें बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लें और आगे इस परंपरा को और आगे बढ़ाएं, जिससे एक सनातन धर्म की मजबूती हो और ये पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फैले। देखिए, बने रहे बहाराधर के साथ, हकीकत न्यूज़ से जपते हैं सलाम नमस्ते। हमारी युवा पीढ़ी, जब से ये बॉलीवुड चालू हुआ है 40 साल 45 साल 50 साल, मैं ये नहीं कहूँगा कि माना कि सारी बॉलीवुड की फिल्में खराब हैं, लेकिन पहले रामायण निकली, महाभारत निकला, उसके बाद कुछ सीरियल चले, कुछ फिल्में ऐसी चली कि जो हमारी 40 45 साल, जो आज हमारी एज हो चुकी है 50 साल के आसपास, जो हमारी संगति है, हमारे साथ के जो लोग हैं, वो एक तरह से बैकफुट पर चले गए, उनको इन फिल्मों ने बिगाड़ दिया। आज हमारे बच्चे, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों, मैं समस्त धर्मों के बहन और भाई, बुजुर्ग, माता पिता, बंधु बांधवों से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक, भगवान एक है। उनके कोई भगवान के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में मानता है, कोई वाहेगुरु के रूप में मानता है, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। इसलिए हर धर्म के प्राणियों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने जिस देश में जन्म लिया है, जिस देश का हम नमक खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, उस देश के प्रति वफादार रहें, तन मन धन से उस देश की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु ब्राह्मण साधु संतों की, बुजुर्गों की सेवा करें, गऊ की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, और भगवान की भक्ति करके श्रीमन नारायण को, ईश्वर को प्राप्त करें, जिससे हमारी गति हो। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन दाम मोक कर द्वारा, जे ना पाए परलोक सवारा। बड़े भाग से मानव तन की प्राप्ति होती है। इस तन को पाकर के भी अगर हम भगवान की भक्ति प्राप्ति भक्ति करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सके, तो हमसे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए गुरु की शरण में जा करके, गुरु मंत्र लेकर के, भगवान की भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करें। देखिए, अभी
व्यास जी ने बहुत बड़ी बात करी है। उन्होंने कहा कि पहले गुरुओं के पास जाके ज्ञान प्राप्त करो, प्राप्त करो कि राम जी का क्या संदेश था, ज्ञान करो कि हनुमान जी का क्या संदेश था। खास करके युवाओं के बारे में उन्होंने कहा कि सत्य का मार्ग अपनाएं, ना कि इधर उधर भटके। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से, जब तक सलाम नमस्ते। आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर एक बजरंगबली की तरह जनता में जोश है, क्योंकि बजरंगबली सारे संकटों को हर लेते हैं। और आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर पूरे शालीमार गार्डन वार्ड नंबर 37 और वार्ड नंबर 82 से, और सुबह से सुंदरकांड था और भंडारा था दिन में 12 बजे, और अब ये रात को 10 बजे तक शोभा यात्रा निकलेगी। तो सभी माता बहन, युवा, सभी बुजुर्ग, सभी एक साथ चल रहे हैं। और ये झांकी 2 किलोमीटर लंबी झांकी है, इसमें भोलेनाथ की माता पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, सीताराम और हनुमान जी, पूरी झांकी आनंद के साथ चल रही है। भगवान का नाम भजन चल रहे हैं, आनंद आ रहा है जनता को। यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ को हम यूथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करें और देश की सेवा करें। आने वाले युग में और जो युवाओं के हाथ में पूरे देश की भागदौड़ रहेगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आवेदक जी, आज हनुमान जन्मोत्सव पर प्राचीन श्री राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों श्रद्धालुगण इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। यात्रा में ऊँट घोड़े से लेकर सुंदर झांकियां, नृत्य और सभी हजारों श्रद्धालु भक्तगण हनुमान जी की भव्य यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं भारत में? मैं सभी यूथ को संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे आज हनुमान जन्मोत्सव है, सभी भगवान की पूजा करें, सभी युवा साथ चलें और युवाओं के प्रति सभी ऐसी यात्राओं में सम्मिलित हों और आगे बढ़ते चलें। और ऐसे ही कार्यक्रम में सभी युवाओं से कहूँगा, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।